दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, फिर 3, 9 की थी और 5 और 10 की थी। आज हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 11 की देखेंगे और 12 की देखेंगे। ओके, 7 की डिविजिबिलिटी में ऐसा कुछ खास है नहीं। जब तक आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उतने देर में तो आप 7 से डिवाइड करके ही चेक कर लेंगे कि नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, 6 का हम लोग अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 × 3। फैक्टर और भी होंगे बट क्या करते हैं, को प्राइम फैक्टर्स करते हैं। कैसे फैक्टर करते हैं, को प्राइम फैक्टर्स करते हैं। मतलब को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोई भी नंबर, जैसे रैंडम नंबर हमने लिया, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा, अगर मुझे चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले मैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा इसमें। ओके, तो मैंने देखा 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि यूनिट डिजिट यानी लास्ट का डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने देखा हाँ, 4 तो 2 की टेबल में आता ही है, तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, बट मुझे 3 की भी डिविजिबिलिटी इसमें चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करें। हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये कितना आएगा, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30 है ना। सम फैक्टर 6, 18, 8, 26, 4, 30 30 भी 3 की टेबल में आता है, कट हो जाएगा पूरा। तो 30 जब 3 से पूरा कट हो जाएगा तो यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले जैसे मैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो मैं देखूंगा अच्छा लास्ट नंबर पे क्या है, 3 है, और 2 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं। जब 2 की टेबल में 3 आएगा ही नहीं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, जब 2 से ही नहीं डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, ऐसे ही देख लेते हैं एक बार 12 का कैसे चेक करेंगे। 12 की डिविजिबिलिटी, 12 का अगर हम को प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 4 × 3, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने 6 में क्या चेक किया था, जैसे मान लो मुझे रैंडम कोई नंबर मिले, इसे इजी ले लूं, 7, 5, 6, 8, 4, ठीक है, मैं ये नंबर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा लास्ट के 2 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, 4 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 से। तो हमने देखा कि ये 4 से तो डिवाइड होता है, 84 क्या होता है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट के 20 वाला था, पूरा पूरा चला जाता है। तो अच्छा, ये 4 से डिविजिबल तो है, ये 4 से डिविजिबल है। अब जरा चेक कर रहे हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इनके डिजिट्स का सम जो कि 7 + 5 + 6 + 8 + 4 क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए क्या है, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30 3 की टेबल से चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक। यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, सो ये नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके, यानी कोई नंबर, गिवन नंबर अगर 4 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये मैं एग्जांपल से लेके चलता हूं। जैसे मैंने कोई रैंडम नंबर लिया, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, रैंडम नंबर ले लिया, मुझे चेक करना है कि ये
11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर चाहे हम यहां से पकड़ लें चाहे यहां से पकड़ लें, हमने क्या किया इसको लिया और अल्टरनेट नंबर, यानी कि अगर इसको लिया तो एक को छोड़ देंगे, फिर ये फिर 7 को छोड़ा यहां पे आ गए, ठीक है। तो इन वाले नंबर्स का सम निकालेंगे, क्या क्या इसमें आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5, 8 एंड 9, ओके। बाकी बचे कौन से, 6, 7 एंड 9, तो 6 बचे क्या, 6, 7 एंड 9, इनको ऐड करें कितना आएगा, 8, 5, 13, 9, 22, इनको ऐड करें कितना आएगा, यहां भी 22, ठीक 22 आ गया। और हमने देखा कि ऊपर वाले नंबर का सम भी कितना आ रहा है 22, और ऐसे करने पे भी नीचे वाले भी का भी कितना आ रहा है 22, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 22 माइनस 22 0। तो जब अब यहां पर रूल क्या, जरा देख लेते ध्यान से, कि हम किसी एक नंबर को पकड़ेंगे लास्ट से या फर्स्ट से, और एक नंबर छोड़ते हुए नंबर्स को लेंगे, उनको ऐड करेंगे जितना भी आएगा, फिर जो बचे हुए नंबर है उनको ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर नंबर कितना आता है, 0 आता है या 11 आता है, 22 आता है, मतलब 0 आए या 11 का मल्टीपल आता है, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 9, 7, 16, 6, 22, 8, 30, 36, ठीक। ऊपर के नंबर का सम कितना हो गया 36, एक बार फिर से देख लेते, चेक कर लेते हैं, 6, 8, 14, 6, 20, 27, 9, 36। नेक्स्ट जो बचे हुए नंबर कौन है, 8, 4, 12, 7, 19, 5, 24, 7, 31। तो हमने देखा इस 36 माइनस 31 का डिफरेंस कितना है, 5। और ये कोई जरूरी नहीं, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर लेंगे। तो आप ये आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि मान लो वो केस ऐसा हो कि नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड ओनली डिफरेंस। हमको ये नहीं करना है कि हमेशा ऊपर वाले में से ही नीचे को माइनस करना, जो सा भी ज्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ 36 होता और यहाँ 31 होता, तो क्या करते 36 में से तब भी 31 को ही माइनस करते, ठीक है। तो हमको क्या देखना, बस डिफरेंस देखना, डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 तो है नहीं, ना ही 11 का मल्टीपल है, तो जब ऐसा है नहीं तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। समझ में आया कि एक और एग्जांपल देख लें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी का एग्जांपल और देख लेता हूं। जैसे मान लो ठीक है, ये देख लेता हूं, 8, 21, 8, 29, 9, 7, 16, 6, 22, 7, 29, यहाँ भी तो क्या होगा, केस करके 29 is 29, 0, यानी क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ओके। अब जैसे मान लो कोई नंबर और गिवन है, कि मान लो वो कह रहा है कि भाई मुझे 99 से बताओ, मतलब बहुत सारे नंबर दिए हैं, बताओ इसमें 99 से कौन सा डिविजिबल होगा। तो मैंने बताया जब भी कोई बड़ा नंबर आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका को प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे, कैसे किसे करेंगे, को प्राइम नंबर में, यानी कि उनके बीच में जो भी दो नंबर आप फैक्टर करें उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 11 और 9 में हम देखें तो कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को डिवाइड करता है 11, मतलब 1 को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कोई सा जो भी नंबर होगा हम उसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, हम ऐसा चेक कर पाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ओके। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि भाई 48 से डिविजिबिलिटी बताओ, तब क्या करोगे आप, देखोगे अच्छा मैं ऐसा कौन सा फैक्टर करूंगी जिसमें क्या मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए,
हमने देखा कि हमको मिल सकता क्या 16 × 3, ठीक। 16 की मैंने बताई थी आपको कि लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लेंगे और बाकी डिजिट आपको पता ही है। तो जब भी आपको क्या करना है, बस फैक्टर ऐसे करने कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू।